हेलो, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड डिजीजेज ऑफ द लिप। ये टॉपिक की आवश्यकता में इसलिए समझा कि वर्तमान समय में हर एक कोई भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। कॉस्मेटिक जो है, जिसे सामान्य भाषा में हम श्रृंगार प्रसाधन कहते हैं, बाजार में बहुत से कंपनियों का उत्पाद प्रोडक्ट उपलब्ध है। सभी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताती है और कुछ कंपनियां तो ये कहती है कि इसका प्रयोग करो और देखो, मतलब काले भी गोरे बन जाएंगे, ऐसा उनका भ्रामक प्रचार होता है। जब एक इंसान, एक परिवार के सभी सदस्य के रंग एक जैसे नहीं हैं, उनके व्यवहार एक जैसे नहीं हैं, उनके स्किन का बनावट एक जैसा नहीं है, तो फिर एक ही कॉस्मेटिक और जो क्रीम है वो सबों पर कैसे सामान्य रूप से काम करेगा। इसलिए इस टॉपिक की आवश्यकता मैं महसूस किया। सो वी सी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड डिजीजेज ऑफ द लिप्स। द वर्ड कॉस्मेटिक डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कॉस्मेटिक टेक्ने। कॉस्मेटिक टेक्ने इज ग्रीक वर्ड फ्रॉम विच वर्ड कॉस्मेटिक डिराइव्ड, विच मीन्स टेक्निक ऑफ ड्रेसिंग एंड ऑर्नामेंट, जिसका मीनिंग होता है टेक्निक, प्रक्रिया, ड्रेसिंग जो होती है, ड्रेसिंग एंड ऑर्नामेंट, जो हम तैयार होते हैं श्रृंगार प्रसाधन। ऑर्नामेंट मीन्स जो गहना आभूषण जो हम प्रयोग करते हैं उससे संबंधित है, और सामान्य भाषा में हम ये कहें मेकअप, अपने चेहरे का श्रृंगार, सुसज्जित करना। ये प्रथा आदिकाल से आ रही है, देवी देवताओं के समय से है, और आज भी जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ उनके श्रृंगार संबंधी सभी वस्तुओं को अर्पण करते हैं, ऐसी मान्यता है। सो टॉपिक रिलेटेड विथ डिजीज, वी सी स्किन इज मेम्ब्रेनस टिश्यू। स्किन इज मेम्ब्रेनस टिश्यू फॉर्म एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, और अदर वर्ड दिस स्किन इज कॉल्ड इंटेगुमेंट ऑफ बॉडी और इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम और इंटेगुमेंट, जो स्किन है ह्यूमन में, ये दो लेयर इसके होते हैं, डर्मिस इपिडर्मिस, और इपिडर्मिस और डर्मिस। ईपी मीन्स ऊपर, ऊपर का भाग और निचला भाग। सो इन डिटेल ऑल ऑफ अस स्टडीड दिस स्किन इन फिजियोलॉजी एंड एनाटोमी। सो हियर वी सी द टाइप ऑफ स्किन। स्किन कितने प्रकार के होते हैं? जनरली स्किन इज डिवाइडेड इंटू फोर और फाइव टाइप्स, और फाइव टाइप्स इन विच नंबर वन इज नॉर्मल स्किन, सामान्य त्वचा। नॉर्मल स्किन नॉट टू ड्राई, ये ज़्यादा सूखा हुआ भी नहीं होगा और न ही ज़्यादा तेलीय, एक्सेस आयली होगा। इट हैज बेरली विजिबल पोर्स ए रेडिएंट कम्प्लेक्शन। ऐसे त्वचा में, स्किन में, इसके स्किन जो हेयर पोर्स होते हैं वो नंगे स्थिति में, ओपन बेयर विजिबल कंडीशन जो है उसमें ये
दिखाई देते हैं हमें। दूसरा है आयली स्किन, या जिसे हम कहते हैं तेलीय स्किन, तेलीय त्वचा। ओवर सेक्रेशन ऑफ सीबम, ओवर सेक्रेशन ऑफ सीबम और आयल थ्रू आयल ग्लैंड्स, जो तेल ग्रंथि है उससे तेल का स्राव या आयल ग्लैंड से आयल का सेक्रेशन, विच इज स्टिकी स्किन लीड्स टू प्रॉब्लम लाइक एक्ने, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, पिंपल्स एक्सेट्रा। जिसके भी चेहरे पर एक्ने, ब्लैक हेड, जो काले काले पोर्स दिखते हैं, और एक्ने मीन्स जिसे दाबने पर उजला चावल जैसा निकलता है, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स, जिसके दाबने पर पस जैसे निकलता है, ये सब आयली स्किन में पाए जाते हैं। और आयली स्किन जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एक रिचेस्ट सोर्स है बैक्टीरिया के लिए, इसलिए ये उनमें पैदा होता है। एक होता है ड्राई स्किन, ड्राई स्किन हैव इनविजिबल पोर, जो ड्राई होगा उसमें पोर्स जो है एक्सटर्नल वो दिखाई नहीं देंगे, रेड पैचेज, लेस इलास्टिसिटी एंड मोर विजिबल लाइन, लाल लाल चकत्ते, इलास्टिसिटी उसकी कम होगी और विजिबल लाइन, दृश्य लाइन जो होगा वो ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप, सेंसिटिव स्किन, सेंसिटिव टू एनी चेंज ऑफ इन्वायरमेंट और कंडीशन एंड मेकअप्स एंड अदर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ऐसे भी कुछ पेशेंट मिलते हैं या पर्सन जो कहते हैं कि मेरा स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, नहीं तो डिटॉल का इस्तेमाल कर पाएंगे न किसी केमिकल या तेल वगैरह का भी। अभी आजकल बच्चों में भी देखा जाता है कि जन्म के बाद अगर वो डाबर लाल तेल से अगर मसाज करते हैं उससे भी उनमें फोड़े निकलने लगते हैं। तो इस सेंसिटिव स्किन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ऑटो इम्यून सेंसिटिविटी, हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, और पोल्यूटेंट और इम्प्योर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, अगर तेल या कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन वो भी प्योर अगर नहीं हो, केमिकल युक्त हो, तो उसमें ये पाया जा सकता है। फिफ्थ टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है, मिक्स, एक्सटर्नली डायलेटेड पोर, शाइनी स्किन, ब्लैक हेड, दिस इज कॉम्बिनेशन। सो जनरली टाइप्स ऑफ स्किन इज नॉर्मल, आयली, ड्राई, सेंसिटिव, कॉम्बिनेशन। अगेन वी सी निगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कॉस्मेटिक, ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसके नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव इफेक्ट क्या है। कॉस्मेटिक्स बिकेम ए नीड फॉर लुकिंग मच बेटर, यंगर एंड ब्यूटीफुल इन टूडेज मॉडर्न एरा। अभी इसका प्रयोग अच्छा दिखने के लिए करते हैं, जवान दिखने के लिए, 70 साल के हो गए फिर भी बाल रंग लेंगे, काला बाल, फेशियल ब्लीच टोटल करते हैं, अच्छा और युवा और कम उम्र का दिखने के लिए। द इल इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ कॉस्मेटिक शुड बी इन नॉलेज ऑफ एवरीवन। कॉस्मेटिक्स का दुष्प्रभाव जो है, इसके प्रयोग से जो होता है, ये सबों के जानकारी में होनी चाहिए। कॉस्मेटिक हैव इम्पोर्टेंस इन मेकिंग पीपल ब्यूटीफुल बट स्टिल दे हार्म सेवरली टू द नेचुरल ब्यूटी। कॉस्मेटिक का प्रयोग सुंदर दिखने के लिए करते हैं, फिर भी ये आपका नेचुरल ब्यूटी जो है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसे ये हानि पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। द फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट्स मे बी प्रोड्यूस्ड बाई यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स, हेडेक, स्पेशली टायर्ड, नोसिया, समटाइम्स मे कॉज अनकॉन्सियसनेस एक्सेट्रा, हेयर प्रॉब्लम। अभी जो है बच्चे विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल के लिए
जेल, स्प्रे, कलर्स, सीरम, शैम्पूज, कंडीशनर एक्सेट्रा यूज करते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो हैं उनके नेचुरल टेक्सचर, कलर ऑफ हेयर को प्रभावित करते हैं। बाल गिरने का, झड़ने का भी यह एक कारण है। पतला होना, डैंड्रफ, स्केल, सिर में रुसी होना और असामान्य असमय बाल पकना, ये सब जो है कॉस्मेटिक्स, जेल, सोप, ऑयल के जो यूज हैं उसके कारण ये होते हैं। नेक्स्ट है एजिंग। एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स ऑन स्किन प्रोड्यूसेस रिंकल। कभी कभी कॉस्मेटिक के प्रयोग के कारण स्किन के ऊपर, स्पेशली फेशियल स्किन के ऊपर रिंकल्स पाए जाते हैं, रिंकल्स डेवलप होता है। इसके कारण वो इंसान अगर 30 साल का है तो इस इफेक्ट के कारण वो 40 का दिखता है, ज़्यादा उम्र का। और उसमें बर्निंग, इरिटेशन, इचिंग भी डेवलप होती है। एलर्जीज, हेयर डाई के जो केमिकल हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सबों को मालूम है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। हेयर डाई के बाद में किसी को नंबनेस, इचिंग, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, स्वेलिंग। तो वो बाल काला करने के लिए लो क्वालिटी के या उनके शरीर में जो सेट नहीं करता वो हेयर डाई यूज करेंगे, लेकिन एलर्जी से बचने के लिए सिट्रीजिन का जरूर यूज करेंगे। दिस एलर्जी आल्सो अफेक्ट्स अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हार्म टू आई, इससे आँख और आँख की रोशनी को भी हानि पहुँचती है, जैसे आई शेडो। अपर आई लिड पर आप देखेंगे 2-3 कलर यूज होते हैं मेकअप में, आई शेडोज, काजल, मस्करा, आई लाइनर एक्सेट्रा। इनके प्रयोग से आई साइट भी अफेक्ट होता है। इवन फॉलिंग ऑफ आई लैसेस, आई लैस जो है वो गिर जाते हैं, इचिंग, बर्निंग। इवन हाइपर सेंसिटिव केसेस में ब्लाइंडनेस में आकर उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। स्किन डिजीजेज एंड रिएक्शंस, इट इज ए कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर यूजिंग आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। सन ब्लॉक्स, लोशन, मॉइस्चराइजर, क्रीम कॉजेज रिएक्शंस ऑन स्किन, रैशेस अपीयर्स ऑन स्किन। कभी कभी कॉस्मेटिक्स के यूज के कारण रैशेज आ जाते हैं। इवन जो बैंगल्स, चूड़ी जो पहनती है लेडीज, तो चूड़ी में जो चमकीला पदार्थ जो यूज होता है वो भी किसी स्किन के लिए हानिकारक होता है, उसके कारण भी एलर्जी डेवलप होती है। इवन नेल पॉलिश, नेल पेंट, लिपस्टिक, ये सब एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बीमारी प्रोड्यूस करते हैं। स्किन कैंसर, कैंसर में आल्सो अकर्स इफ प्रोडक्ट हैव हाईली अमाउंट ऑफ केमिकल, एल्यूमिनियम, लीड, जिंक, मरकरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम कंडीशन। हार्मोनल इम्बैलेंस, कॉस्मेटिक के यूज के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। अभी जनरली लेडीज में देखा जा रहा है थायराइड डिसऑर्डर्स, ये केसेस पहले नहीं होते थे। पहले उबटन के रूप में घर का बना हुआ हल्दी, चंदन, दूध यूज होता था, आज सब रेडीमेड मार्केट में आ रहा है। मार्केट का काम है मुनाफा कमाना,
तो मुनाफा कमाने के लिए वो लो क्वालिटी अगर नहीं यूज करेगा, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, तो उसे मुनाफा नहीं होगा। मार्केट में सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट चाहिए। कॉस्मेटिक्स ऑल्सो अफेक्ट द इंडोक्राइनल सिस्टम एंड कॉजेज सर्टेन डिजीजेज इन विच PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज वन एंड मैनिफेस्ट ऑन स्किन इन द फॉर्म ऑफ एक्ने ऑल्सो। लेडीज में PCOD की भी केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सम ऑफ द रूब्रिक प्रेजेंट इन रेपर्टरी रिलेटेड विथ स्किन, स्किन इरप्शन एक्ने इन BBCR रेपर्टरी, स्किन इरप्शन एक्ने पेज नंबर 950 हिपरसल्फ कालीब्रोम। स्किन इरप्शन ऑफेंसिव पेज नंबर 952 ग्रेफाइटिस पेट्रोलियम स्टेफाइसेग्रिया। इन केंट रेपर्टरी स्किन बबलिंग सेंसेशन 1303 मेडिसिन कल्केरिया कार्ब। स्किन स्प्लिंटर पेन एज फ्रॉम पेज 1331 मेडिसिन हिपरसल्फ नाइट्रिक एसिड कैलेंडुला। इन बोरिक रेपर्टरी स्किन अल्सर इरोडिंग ऑफ फेस 890 मेडिसिन कोनियम। स्किन अर्टिकेरिया नोडोसा पेज 892 बोविस्टा अर्टिका यूरेंस। इन मर्फी रेपर्टरी टॉक्सिसिटी कॉस्मेटिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम एपिस आर्सेनिक बोविस्टा। सो दीज आर द सम मेडिसिन विथ रूब्रिक इन डिफरेंट रेपर्टरीज। नेक्स्ट इज डिजीजेज ऑफ द लिप। द अपर एंड लोअर लिप्स आर मोबाइल मस्कुलो फाइब्रस फोल्ड दैट बाउंड द ओपनिंग ऑफ द माउथ। लिप्स और इन हिंदी ओठ। अपर एंड लोअर लिप्स आर मोबाइल मस्कुलो फाइब्रस फोल्ड दैट बाउंड द ओपनिंग ऑफ द माउथ। ये माउथ के ओपनिंग को बांधते हैं, बांध कर रखते हैं। रेड पोर्शन ऑफ द लिप इज कॉल्ड वर्मिलियन जोन। लिप्स में जो लाल दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड वर्मिलियन जोन। द कलर इज ड्यू टू ए रिच वास्कुलर बेड विजिबल थ्रू द थिन एपिथेलियम। रिच वास्कुलर बेड के कारण ये लाल दिखाई देता है विच इज केप्ट मॉइस्ट बाई टॉयलेटिंग विद द टंग। जो हम जीभ से उसको मॉइस्ट करते रहते हैं, टॉयलेटिंग करते रहते हैं, इस कारण ये मॉइस्ट होता है। द स्किन एंड वर्मिलियन जोन ज्वाइंट एट द वर्मिलियन बॉर्डर। वर्मिलियन बॉर्डर इज द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। मीडियन पार्ट ऑफ अपर लिप इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाई ए ग्रूव कॉल्ड फिल्ट्रम। लेयर्स ऑफ लिप्स बिफोर बैकवर्ड। स्किन विथ हेयर फॉलिकल सीबीसीएस एंड स्वेट ग्लैंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल सब म्यूकस कोट कंटेनिंग म्यूकस सिक्रीटिंग लेबियल ग्लैंड एंड एन आर्टेरियल सर्किल फॉर्म्ड बाय द अपर एंड लोअर लेबियल ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। सो दिस इज द फाइव लेयर ऑफ द लिप्स। स्किन विथ हेयर फॉलिकल्स सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑर्बिकुलरिस ओरिस सब म्यूकस कोट म्यूकस मेम्ब्रेन। देन लिम्फेटिक्स सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप ड्रेन इंटू सब मेंटल लिम्फ नोड्स। रेस्ट ऑफ द लिप ड्रेन इंटू सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। क्लिनिकल इज क्रेक्ड इन कॉर्नर एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिप क्लेफ्ट लिप।
क्रेक्ड इन कॉर्नर कॉर्नर ऑफ द माउथ सेंट्रल अपर एंड लोअर एंड क्लेफ्ट लिप. क्लेफ्ट लिप मीन्स कटा हुआ ओठ. दिस इज कंजेनाइटल डिसऑर्डर. न्यूमरस डिजीजेज अकर इन ओरल कैविटी विच अफेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गेन्स और पार्ट इन विच लिप इज वन. लिप डिजीज इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लीजन और अल्सरेटेड टिश्यू ऑन लिप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज ऑफ लिप्स हुज साइन एंड सिम्टम्स वेरी इन सिवियरिटी एंड प्रेजेंटेशन. लिप्स से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के बीमारी होती है जिनके लक्षण पहचान अलग अलग होते हैं. फ्रॉम कैंकर सोर विच आर फेयरली इनोकुअस टू कोल्ड सोर कॉज्ड बाय द हर्पिस सिंप्लेक्स. कैंकर जो है ये हर्पिस सिंप्लेक्स के कारण होता है. आउट ऑफ द डिफरेंट लिप्स डिजीजेज लिप कैंसर इज द मोस्ट सीरियस. लिप कैंसर ये जनरली टोबैको यूजर टोबैको एंड अल्कोहल प्रोडक्ट जो लेते हैं उनमें पाया जाता है. रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स HPV, पुअर ओरल हाइजीन, एज अबव 40 ईयर, लिप कैंसर प्रेजेंट एज ए व्हाइट पैच, लीजन और अल्सर्स. पेशेंट विथ लिप कैंसर इनिशियली हैव नो पेन एंड एनी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर. अपर मिड पार्ट एंड लोअर मिड पार्ट क्रेक्ड एंड कॉर्नर ऑफ द माउथ इज अल्सरेटेड इज विटामिन डिफिशियंसी इंडिकेशंस एंड आयरन डिफिशियंसी. मेडिसिन इज ऑल्सो सेपरेट. इन एडवांस्ड एज फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट. डिफिकल्टी इन च्यूइंग डिफिकल्टी इन स्पीकिंग टिश्यू डिस्कलरेशन इन अफेक्टेड एरिया पेनफुल स्वालोइंग लंपी फीलिंग इन लिप लिप्स में फील नंब स्वेलन लिप ग्लैंड इन नेक इन मोर एडवांस्ड केस. लिप कैंसर में बी ट्रीटेड एज फॉलोज एक्सीजन ऑफ अफेक्टेड टिश्यू केमोथेरापी रेडियोथेरापी इन मॉडर्न मेडिसिन. इन होम्योपैथी ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन स्टेज ऑफ द कैंसर. कैंकर सोर्स आर द मोस्ट बेनाइन एंड ईजी टू ट्रीट. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंकर सोर आर ट्रोमा एलर्जी ओवर एक्टिव इम्यून एलर्जीज इटीसी. ट्रीटमेंट रेंज फ्रॉम द यूज ऑफ माउथ राइंस एंड टॉपिकल क्रीम टू एंटीवायरल मेडिकेशन. सम ऑफ द रूब्रिक्स प्रेजेंट इन डिफरेंट रेपर्टरीज रिलेटेड विथ लिप्स. इन केंट रेपर्टरी फेस डिस्कलरेशन कॉपर कलर स्पॉट पेज 359 मेडिसिन बेंजोइक एसिड एंड ग्रेफाइटिस. माउथ पेन लिप्स इनसाइड ऑफ पेज 411 मेडिसिन कल्क्रिया सल्फ. इन बोरिक रेपर्टरी माउथ लिप ब्लैक 671 आर्सेनिक ब्रानिया मर्कर माउथ लिप रेड ब्लीडिंग पेज 672 ओरम ट्रिफाइलम क्रियोजोट. इन BBCR फेस लिप पेनफुल पेज 407 मेडिसिन ओरम ट्रिफाइलम. फेस लिप्स अल्सरेटेड इनसाइड पेज 409 मेडिसिन बोरेक्स. लिप्स कैंसर पेज 405 आर्सेनिक बेलाडोना ब्रावनिया क्लिमेटिस कोनियम सिलिसिया सल्फर. नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेडी फॉर कंप्लेंट्स ऑन ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन. मेडिसिन मेंशन
इन दिस वीडियो यूज इन सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट फिजिशियन. ऑथर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंप्लेंट डेवलप्स आफ्टर यूज ऑफ मेडिसिन. मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट, यूज ऑफ नेचुरल एंड प्रूवन कॉस्मेटिक्स बाई एक्सपर्ट एडवाइस. दिस इज अबाउट कॉस्मेटिक्स, इट्स इफेक्ट्स एंड डिजीज ऑफ द लिप्स. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.